श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्रावण मास महातम 29वां अध्याय। आज के इस वीडियो में जानेंगे, भगवान भोलेनाथ बोले, हे संत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन उन व्रतों के वर्णन के समय, कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नवत्र व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों के उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदरपूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना और बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद तीसरे दिन उपवास करें, किसी कर्म से करते रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्य अन्न मूल चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाए पर तीन दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल में कहा गया है। मंगल बुध तथा गुरु के व्रत में पूजा के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के पूजन उपसाकाल में लेकर के सूर्योदय से पूर्व तक होना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नृसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनिवार के व्रत में शनि के दान के लिए मध्यमुख समय कहा गया है। हनुमान जी की पूजन का समय मध्य है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा तीन मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुम्बरी द्वितीया सायकाल यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त तृतीया ग्रहण कर लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विधि चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों की पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी प्रस्तुत होती है। शुपौदन व्रत में सायकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्य यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त यामिनी कुमारी नवमी प्रसूत मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो दसवीं तिथि है वह भी नक्त यामिनी होनी चाहिए। विध एकादशी का त्याग कर देना चाहिए। हे मुनि, इसमें वेद के विषय में सुने। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय से दसवीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में दसवीं का वेद स्वामित्रों के लिए निद होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्रह है। कामदेव के व्रत में तुरस्त तिथि रात्रि यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय है। शिव जी के पवित्र रोपण व्रत में रात्रि यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्ध रात्रि यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रावण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन तीन मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्रिया सखा वालों को और त्रिग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्रिया यजुवेदियों को तीन मुहूर्त प्रयत्न दूसरे दिन पूर्णिमा में स्वर्ण नक्षत्र हो तभी पूर्व दिन दोनों कृत करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूर्व दिन एक मुहूर्त में अनंत योग हो और दूसरे दिन
को मुहूर्त से भीतर दोनों समाप्त हो जाए तो तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह कल्पयापी हो तो भी दोनों कृत पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रावण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल बना गया है और स्वर्ग बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृहसूत के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा स्वर्ग बलिदान कर्म में अष्टकालयापनी पूर्णिमा प्रस्तुत है। हयग्रीव के उत्सव में मध्यापनी पूर्णिमा प्रस्तुत होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराव्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदयापनी ग्रह होनी चाहिए। यदि चंद्रोदयापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में रखना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाला होता है। अतः ये वत्स व्रतियों की चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को जरूर करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वर्थ तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। एक में है दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दो दोनों दिन केवल अध्यापि, तीन में है अंश से दोनों दिन सम व्यापनी, चार में है अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति, पांच में है पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आशित व्याप्ति और छ में है दूसरे दिन अयाप्ति। इन पक्षों में तीन पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्वा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इसमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश में सम हो वहाँ संदेह होता है और उसमें निर्णय में भेद होता है। कहीं युग वाक में, वार में और नक्षत्र में योग से, कहीं प्रधान दब योग से और कहीं पारण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी तिथि तीन प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्यव्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों की पूजा में सायकाल यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में सायकाल, यह तीन में पांच भागों में से दूसरा भाग होता है, यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण के 30 घड़ी पूर्व का काल पूर्णमय मानते हैं। अगस्त के अर्घ का काल व्रत वर्णन में ही किया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास के किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।